बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मीशा गुप्ता पनीर, वेलकम टू माय चैनल मनी सिम का। आज की वीडियो एक और डेकोर आइडिया के साथ, जिसको बनाने के लिए मैंने एक बर्तन, आप देख रही होंगी, गिफ्ट बॉक्स लिया है बर्तन का खाली। तो इस तरह की ये जो हमारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना खाना वगैरह पैक करने वाले, ये उस बॉक्स का डिब्बा लिया है मैंने, काफ़ी मजबूत और अच्छा है। इसको इस शेप में मैंने कट कर लिया है, ठीक है। तो इसको कट करके तो ऊपर ग्लिटर शीट जो है वो ब्लैक कलर की लगा दूँगी। इस बॉक्स को हम अपनी चीज़ों को, पेंसिल केस और मुख्तलिफ चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। ग्लू गन, किराड वगैरह या कुछ भी आप इसमें अपने जो चीज़ें हैं, इसे हम बाल डिको, बाल के डिको, मतलब ये डेकोर पीस है, इसे बाल के साथ लगा कर अपनी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं मोबाइल स्टैंड वगैरह के तौर पर। लेकिन मैंने इसके साथ हैंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं लगाई, टेबल वेस के तौर पर यूज़ की है। तो आप चाहें तो इसे वाल डेकोर वेज के हवाले से भी यूज़ कर सकती हैं, इसे एक हैंग डोरी लगा के। ये स्ट्रिप मैंने इस वीडियो में बनाना नहीं सिखाई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये वाली फोमिंग शीट से मैंने खुद ही तैयार किया है, इतना प्यारा लग रहा है ना, ये बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर दें, जो मैंने मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आई उन्हें वीडियो पसंद आ रही है। तो ये मैं इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये फ्लावर वगैरह मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये ग्लिटर शीट से इस बॉक्स को मैंने निकाल लिया, इसे में हम अपने, इसे फ्लावर पॉट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से पर्पस हैं इसको इस्तेमाल करने के, आपको जिस तरह की नीड हो आप इसको उसी तरह के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पार्टीशन भी है मैंने इस बॉक्स की, इस डब्बे के साइज़ के हिसाब से मैंने कार्डबोर्ड कट करके इसके सेंटर में चिपका दिया और ऊपर एक ग्लिटर शीट जो है वो उसकी स्टिक लगा दी, ठीक है। मैंने इसे अपने ग्लू गन के जो राड है और बच्चों की पेंसिल्स वगैरह वो सेव किए हैं मैंने इसमें। आप चाहें तो इसमें फ्लावर भी ऐड कर सकती हैं, बहुत प्यारे लगेंगे।